हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को मंगल ग्रह की लाइव यात्रा कराते हैं। कभी मंगल ग्रह की सतह पर तरल पानी था जो जीवन के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता था। इसके अलावा यह ग्रह मानव उपनिवेश स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। 1970 के दशक से ही मंगल ग्रह के पानी और जीवन के निशानों की गहनता से खोज की जा रही है। मंगल ग्रह की पहली तस्वीरें अमेरिकी मैरिनर 4 अंतरिक्ष यान द्वारा 1965 में ली गई थीं, जब यह ग्रह के पास से गुजरा था। 1971 में लॉन्च किया गया मैरिनर 9 किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नवंबर 1971 और अक्टूबर 1972 के बीच इसने मंगल ग्रह की सतह, वायुमंडल और चंद्रमा की 7,000 से अधिक तस्वीरें लीं। इसने कई इलाके की विशेषताओं की खोज की, जैसे सूखी नदी तल, घाटियाओं और 25 किमी लंबा ओलंपस मॉन्स, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण ने दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा वाइकिंग 1 और 2 अंतरिक्ष जांच के लिए डिसेंट मॉड्यूल देने में सफल रही, जबकि सोवियत संघ के इसी तरह के प्रयास असफल रहे। वाइकिंग जांचकर्ताओं ने वर्षों तक वायुमंडल, जलवायु और सतह की जांच की। उन्होंने जीवन के निशान भी खोजे, लेकिन परिणाम अनिर्णायक रहे। मंगल ग्रह की जांच करने के लिए अगली पीढ़ी के उपकरण मंगल रोवर थे। अंतरिक्ष जांच जो पहले मंगल रोवर को ले गई थी, 1997 में मंगल ग्रह पर उतरी थी। हालांकि वाहन को 30 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह 3 महीने तक चला। 2004 में मंगल ग्रह पर जुड़वां यान प्रक्षेपित किए गए। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने लाल ग्रह पर पानी के सबूत मांगे। वे मूल रूप से 90 दिनों के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन स्पिरिट ने 7 वर्षों में 7 किलोमीटर की यात्रा की, 124,000 तस्वीरें भेजी और रेत के टीले में फंसने से पहले 43 चट्टान के नमूनों का विश्लेषण किया। क्यूरियोसिटी का मुख्य उद्देश्य मंगल की सतह पर पानी और जीवन के संभावित निशानों का पता लगाना और साथ ही भविष्य में मानव अन्वेषण की तैयारी के लिए ग्रहों की रहने की क्षमता का अध्ययन करना है। क्यूरियोसिटी रोवर को नासा द्वारा 11 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। रोवर 6 अगस्त 2012 को 150 किमी चौड़े गेल क्रेटर में सफलतापूर्वक उतरा। लैंडिंग पूरी तरह से स्वचालित थी, अत्यंत जटिल और जोखिम भरा, इसलिए इसे 7 मिनट कहा जाता था। आतंक जब डिसेंट मॉड्यूल प्रवेश किया, मंगल ग्रह का वातावरण इसके रफ्तार को कम कर दिया। 10 किमी की ऊंचाई पर सुपरसोनिक पैराशूट खुला, फिर 7 किमी हीट शील्ड डिस्कनेक्ट हो गई। अब गति काफी कम थी, सुरक्षात्मक ढाल भी अलग हो गई। स्काई क्रेन उतरना जारी रखा और 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। ग्रह की सतह पर घूमता है क्यूरियोसिटी अपने उच्च तकनीक उपकरणों से चट्टानों का विश्लेषण करता है। इनमें केमिकल शामिल है, एक रासायनिक कैमरा जो जांच की गई चट्टान पर इंफ्रारेड लेजर बीम शूट करता है, जिससे थोड़ी मात्रा में सामग्री वाष्पित हो जाती है। कैमरा फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा परिणामी धुएं की संरचना की जांच करता है। सितंबर 2012 में क्यूरियोसिटी को एक प्राचीन नदी तल मिला, जो मंगल की सतह पर जीवन के उद्भव के लिए पिछली जल गतिविधि का प्रमाण प्रदान करता है। यदि आप सभी को विज्ञान में रुचि है, विज्ञान के कई रहस्यों को जानना है और विज्ञान के किसी भी विषय पर वीडियो को देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, हमारी टीम उस विषय पर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।